उनकी स्मृतियों को पुनर्जागृत करने के लिए ये विश्वविद्यालय बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और वो वहाँ पर उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। ये कुछ चीज़ें थी। और जैसा आप जानते हैं, कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी जब पूरी दुनिया की गतिविधियां बंद थी, तब उत्तर प्रदेश में एक साल में सारी गतिविधियां जब पूरे देश में बंद थी, तब भी 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विभिन्न उद्योगों के संबंध में हमारी पॉलिसीज और सरकार की पारदर्शीपूर्ण नीति के कारण संभव हुआ है। आज 1,61,00,000 लोगों को लघु उद्योगों में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स में या अन्य चीज़ों में अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला का सृजन हुआ है। किसानों का ऋण को माफी करना, DAP खाद में सब्सिडी देना, MSP मूल्य को लगातार दूसरी बार बढ़ाना, किसानों के खातों में सम्मान राशि को पहुंचाना, 18 से 22 घंटे तक का बिजली गांवों में देना, हर घर नल की व्यवस्था को करना, गैस का कनेक्शन गांव-गांव फ्री में उपलब्ध कराना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए घर घर शौचालयों का निर्माण कराना, गांव-गांव प्रधानमंत्री आवास का वितरण करना, ये जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, आज विपक्ष में घबराहट है। बंगाल से चलकर और हैदराबाद तक से चलकर लोग आकर यहाँ के विपक्षी दलों के लिए दीवार बनकर सहयोगी की भूमिका में भेष बदल कर दिखाई पड़ रहे हैं। आज जब ये विभिन्न विपक्षी दल आपस में मिलकर लगातार चार-चार पांच-पांच बार भारतीय जनता पार्टी से पराजित हुए हैं, तो इन्हें जातिवाद याद आ रहा है, जाति के सम्मेलन याद आ रहे हैं, संप्रदायवाद याद आ रहा है, और ये तालिबानी सोच का समर्थन करने वाले लोगों से भी उनके साथ सहयोग स्थान स्थापित करने में भी कोई पीछे हटने वाला परिदृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को, जो तालिबानी सोच कौन सी, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, ये तालिबान कहता है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके विपरीत किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।